ओके हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं और आपने सितम अगर नहीं किया अपनी जिंदगी में, थोड़ा बहुत सितम यहाँ कर लीजिएगा क्योंकि करना पड़ेगा आपको और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही एक्टिविटी है। ओके हाँ भाई चलो जी, पहला सितम क्या करना है उन्हें? ड्रामे में अगर किसी का रोल छोटा करना हो तो इन तीनों में से आप लोग अलग अलग चूज भी कर सकते हैं, किस में सितम ढाएंगे, सबा कमर, महविश हयात या हुमायूं सईद? रोल छोटा करने के लिए हाँ, क्योंकि इन तीनों के हमेशा बड़े डोमिनेटिंग ड्रामे और इनकी ही पिवोटल रोल्स होते हैं। तो अगर आप तीनों में से सितम अगर ढाएंगे तो किस पे ढाएंगे, किसका रोल थोड़ा छोटा कर देंगे? छोटा रोल करने का सितम होना, हाँ सितम मेरे से क्यों शुरू कर रहे हो सारे? अच्छा चलो तुम बता दो, चलो तुम करो ना वहां से शुरू, ये सितम तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। देखो हुमायूं भाई को तो नहीं मैं करूंगा, मैं उनका ड्रामा करूंगा। अब महविश और सबा बजती किस पे सितम ढाएगी? आई थिंक महविश, महविश के सितम ढाएगी। अनमोल तुम किस पे सितम ढाओगे भाई? सामा यार दिल तो नहीं कह रहा लेकिन चले सबा कमर, सबा कमर का रोल महविश, महविश महविश पे सितम ढाएंगे। अब आप सलमान किस पे सितम ढा रहे हैं भाई? मैं सबा पे ढा देता हूं। सबा पे यार घर की बात घर में खत्म कर लोग इसका भी गलत मतलब निकाल लेंगे। ओके भाई नेक्स्ट सितम क्या ढाना है इन्होंने, दिखाइए जी क्या, किसी को अल्लाह मैं फंस गई, किसी के गोरे रंग को अगर थोड़ा कम करना पड़े तो तीनों गोरे हैं ना यहाँ आपके, तो किस पे सितम ढाएंगे आप? मैं तो इसका थोड़ा सा कम करूंगा, हानिया का। हाँ। वैसे इसको तो गोरा और गोरी बेस लगा रही थी और गोरी लगती है ना, तीनों बहुत खूबसूरत। हाँ तीनों बहुत खूबसूरत है और मुझे लगता है वैसे मैंने जब मैंने आनिया का मुझे लगता है कि थोड़ी टैन हो तो ज्यादा और प्यारी लगेगी, बहुत प्यारी है। फेस गोल है ना, तो गोल फेस को और अगर आप और गोरा करते तो स्क्रीन पे वैसे दिखने में तो बहुत प्यारा लगता है लेकिन स्क्रीन पे और आपका फेस बड़ा सही है। आपने भी हानिया को चुना, आपने किसको चुना? हानिया को। आप बताए किस पे सितम ढाएंगी? थोड़ा टैन वैन हो जाए नहीं जाए जरा अपने आप को, गोरा तो टैन करता है अपने आप को, खूबसूरत जैसे हैं वैसे खूबसूरत हैं। अब क्या थोड़ा सा और जरा सितम ढा दो, चलो तुम टेक्निकली जवाब दे, जबरदस्ती का सितम है ढा दो। हाँ दिवाला ब्यूटीफुल। ओके पता नहीं फिर मुझे लगता है कि यमुना का कलर उतना फेयर नहीं है, लाइक बिल्कुल ठीक है जितना होना चाहिए, खूबसूरत कलर है एज कम्पेयर टू हानिया, यमुना का उतना फेयर नहीं है। दोनों वो बहुत अच्छे हैं, हानिया में लगता है ज्यादा टैन होगी तो और ज्यादा प्यारी लगेगी, और ज्यादा प्यारी लगेगी क्योंकि उसकी अट्रैक्शन अलग है ना, तो वो क्यूट है क्योंकि डिम्पल जब होते हैं ना डिम्पल विजिबल होता है जब आप टैन। हां ठीक है ठीक है। ओके जी नेक्स्ट सितम क्या ढाना है इन्होंने? किसी का कद अगर आपको छोटा करना पड़े ठीक है तो इसमें से आप किस पर सितम ढाएंगे? सनम सईद, इजाज असलम या मोहिब मिर्जा? ये यार आप सलमान की ऑप्शन चाहिए क्या? सनम सईद हाइट होनी चाहिए, नहीं लेकिन सितम ढाना है ना, मैं वही तो कह रही हूं सितम ढा रहे सनम सईद, सनम सईद को थोड़ा सा लड़कियाँ कुछ तो है जिनकी हाइट बहुत अच्छी है, कुछ तो है। इन्होंने अभी साड़ी पहनी थी एक अपनी मूवी के प्रीमियर में और ग्लासेस भी लगाए थे बड़ी बड़ी, वो लड़कियों पे अच्छी लगती है। वैसे इजाज भाई बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं लेकिन थोड़ा सा अगर बंदा कर ले तो ये सबसे ग्रैंड सेल्फी जो है ना वो इजाज, हाथ भी लंबे हाँ, क्योंकि मैंने हर सेल्फी में इजाज भाई को देखता हूँ सबसे आगे होते हैं क्योंकि वो एक नादिया हुसैन लड़कियों औरतों में और मर्दों में इजाज। मेरी ऑप्शन होती है ना अपने आप को 2 इंच छोटा कर लेता क्यों भाई मुझे जिस तरह काम करना मसला होता है ना, ये हमारे सोलो ही होते हैं, मेरे इतने सीन है सलमान के साथ, इन लोगों को अलग से मेरे इतने सीन है सलमान के साथ कि हम लड़ रहे हैं आपस में बातों बातों में और मैं ऐसे कहता हूँ हाँ हो गया। और ये तो लॉन्ग शॉट है, क्लोज शॉट्स तो हम आपको खड़े होकर बता भी नहीं सकते कि जो लंबा आदमी है उसने बेचारे ने क्या अपनी मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम है भाई हर हीरो के साथ मुझे यूं देखना पड़ता है। हाँ तुम तो लंबी हो नहीं लेकिन इसको लड़के ज्यादा लंबे मिलते हैं ना, अभी जैन बेग था, जैन बेग था, मिकाल था, हीरो ज्यादा तुम्हारा पूरा इंपैक्ट एक टॉल आता है वो तुम्हारी पतली नहीं नहीं तुम हो लेकिन एक स्क्रीन पे किसी का कोई लंबे लोग होते हैं, हम लोग कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा टॉल हैं, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूं जो बात है। हाँ तुम पतली हो तुम्हारा फेस लंबा है सो एक इंपैक्ट, जैसे लाइक शाइस्ता लोधी है वो इतनी लंबी नहीं है मगर उनकी स्क्रीन पे अपीयरेंस लंबी आती है, फेस लंबा है उसकी वजह से।
मेरी हाइट उससे ज्यादा लंबी, लेकिन वो मुझसे लंबी लगती है स्क्रीन पे, क्योंकि मैं गोलम गोल। ओके जी, किसमें से जम धाना है, क्या है, क्या लिखा है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। सेलिब्रिटी, आगे सेलिब्रिटीज जिनकी उम्र रुक गई है, इनको इनकी असल उम्र में अगर दिखाना तो आप किस पे सितम डाएंगे? एवरग्रीन लोग हैं ये तीनों, ये एवरग्रीन। ये मैं चाहती हूँ मैं जब इस एज में जाऊं तो मैं भी ऐसी ना, मैं खुद यही सोचती हूँ भाई, एक कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए ना। तो हम ड्रामों में देखते थे ना पहले, जितनी भी माएं और एक ग्रे लट होती थी, यहाँ वैसा कुछ नहीं है, अब तो सारी जवान माएं हो रही है। और एक्चुअल जिंदगी में भी ऐसा हो गया, हम अपने बच्चों की जब लाइक पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो हमें कोई वो नहीं बुजुर्गी कोई कहीं नजर महसूस नहीं होती। हाँ, महसूस भी नहीं होती है और अगलों को भी नहीं महसूस होती, माशाल्लाह सब इतने अपने। अच्छा एक और चीज ये कि जो एक्टर्स वगैरह है ये लोग अपने आप को शायद मेंटेन इस तरह करते हैं कि अगर आप अपने एज के लोगों से मिले तो आपको लगेगा कि तूने क्या कर लिया यार। हाँ? मैं अपने बहुत से दोस्तों से मिलता हूँ यार तू प्यारा था बाल। मैंने एक दफा एक शो किया था, एक यहाँ सेलिब्रिटी बिठाए थे और वहाँ एक आम औरत बिठाई थी जो अपना ख्याल नहीं रखती, दोनों सेम एजेस के थे, सो एक डिफरेंस था दोनों में, सेम एज है और डिफरेंस। बताएं भाई किस पे सितम ढाएंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं ढाना चाहेंगे, लेकिन मानु बलोच बिल्कुल भी नहीं। सितम ढाएंगे आप किस पे सितम? बिल्कुल भी ढाना चाहूंगा, लेकिन मानु बलोच आप किस पे सितम ढाएंगे? अनमोल, रीमा, नुमान एजाज या मुझे तो लगता है जब भी पिक्चर अपलोड करती है पुरानी कर देती है मुझे ये पता है कि ये बंदी रोज जिम करती है, अपनी नींद पूरी करती है, इनका मिर्च मसाले वाला खाना नहीं होता, इनका एक अलग शेफ। अच्छा, मैं इनसे क्यों उबला हुआ खाना और इस तरह, बाकी दोस्त से तो मैं मिला हूँ, इनसे मैं कभी भी नहीं मिला, तो मैं मिलने के बाद ढाना चाहूंगा। हाँ सितम होगा। आइए जी नेक्स्ट सितम किस पे ढा रहे हैं? सेलिब्रिटीज जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और इनकी शादी, इनकी आजादी जो आप मांगेंगे सितम करवा के, सितम तीनों की मैं शादी करना अच्छी बात है। सुने ड्रामे में मम्मा की तो हो रही है ना मारिया जी की, असल जिंदगी में पूछ रही हूं, देखिए शादी करना तो अच्छी बात है, आयशा उमर या रेशम तीनों पे ढाल देना चाहिए, तीनों पे ढाल देना, ये सितम आप तीनों पे ढाल देना। रेशम की शादी नहीं हुई? नहीं। अच्छा, ये मुझे आज पता लगा, लेकिन मेरे ख्याल तीनों बिठा देना चाहिए तो। हाँ। शादी करवा देनी चाहिए भाई, उनकी मर्जी करना तो चाहती होंगी तीनों। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये सितम आप कह रहे तीनों पे ढाएंगे। हाँ। अनमोल तुम किस पे ढाओगी सबसे ज्यादा? मुझे लगता है आयशा उमर है ना, और आप तीनों पे, बाकी उनकी मर्जी, पकड़ के शादी करवा देनी लड़कियों की। हाँ भाई है ना, हमारी तो ये आप भी करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन, सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।